नमस्कार, आप देख रहे हैं 99 न्यूज। मैं हूं शुभमिता। इस वक्त मैं खड़ी हूं रांची के प्रसिद्ध पहाड़ी मंदिर में। आप देख सकते हैं कि किस तरह से श्रद्धालु उमड़ पड़े हैं। जी हां, श्रावण का आगमन होने वाला है। हिंदू धर्म में बड़ा ही पवित्र माना जाता है ये मास को, और श्रावण की सबसे खास बात यह है कि श्रावण की शुरुआत भी सोमवार से है और अंत भी। पहले सोमवार से भक्तों की लंबी कतार लगने वाली है। बात करें पहाड़ी मंदिर की इतिहास की, तो पहाड़ी मंदिर झारखंड की राजधानी रांची में पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर समुद्र तल से 2140 फीट और जमीन से 350 फीट के ऊपर स्थित है। मंदिर तक पहुंचने के लिए 468 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। मंदिर से पूरा रांची शहर देखा जा सकता है। पहाड़ी मंदिर में भगवान शिव की लिंग रूप में पूजा की जाती है। रांची की ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर में वर्षों से पूजा हो रही है। इस वजह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु खास इसी पहाड़ी मंदिर में पहुंचते हैं। बताया जाता है कि बाबा के इस दरबार में क्या खास क्या आम, हर कोई माथा टेकने पहुंचता है। मान्यता यह है कि बाबा के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। हर किसी की मनोकामना पूरी होती है यहाँ। इस वक्त मैं मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुकी हूँ। आप देख सकते हैं कैसे भक्तों की लाइन उमड़ पड़ी है अपने प्रभु के दर्शन के लिए। लोग जैसे मानो अपनी पूजा अर्चना करने के लिए, अपनी मनोकामना को मांगने के लिए प्रभु के सामने लीन हुए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरें, लोगों की भीड़। देख रहे हैं आप भक्तों की लीन, भक्त कैसे पुकार रहे हैं अपने शिव को। दर्शन करने के बाद मंदिर में वो भव्य दर्शन या अपनी मनोकामना मांगने के बाद श्रद्धालु अक्सर इसी रास्ते से, ठीक मंदिर के पीछे वाले रास्ते से निकलते हैं। आइए हम कुछ श्रद्धालु से जानते हैं, वो सालों साल यहाँ आते हैं, उनसे बात करते हैं। जी, आप कहाँ से? मैं गुड़गांव से हूँ। यहाँ बस भगवान के दर्शन करने आई थी। यहाँ पे मेरा घर है, पर यहाँ आके हमें बहुत खुशी मिलती है और हम बहुत खुश होते हैं। एक लगता है मन को शांति मिल गई। आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं के मन में कितनी शांति है, कितनी भक्ति है, किस तरीके से कैसे वो अपने खुशी को जाहिर कर रहे हैं कि मंदिर आने से उन्हें क्या खुशी मिलती है। सबसे पूजन के लिए आया था और साथ ही व्यवस्था भी देखने आया था, जो आगमन है और निकास है उसमें किस तरह की व्यवस्था की जाए, कितने बल की आवश्यकता होगी, सोमवार को कितने की, रविवार और सोमवार को कितनी आवश्यकता होगी और अन्य दिनों में कितनी आवश्यकता होगी, इसका एक असेसमेंट जो है अभी हमारे लोकल कोतवाली DSP भी हैं, हमारे थाना प्रभारी भी हैं, उनसे भी डिस्कस करेंगे और तब फोर्स का क्वांटम डिसाइड होगा, ताकि बिल्कुल सुविधापूर्वक भक्त लोग पूजा कर पाएँ। बिल्कुल सादे लिबास में रहेंगे और कंट्रोल रूम में हमारे आदमी रहेंगे जो लगातार मॉनिटर करते रहेंगे, और अगर कोई ज़्यादा भीड़ का प्रेशर हुआ तो फिर अतिरिक्त बल भी यहाँ पर उपलब्ध कराया जाएगा। हाँ, CCTV का कंट्रोल रूम नीचे है, यहाँ पर 42 कैमरा पहले से लगा हुआ है, वहाँ हमारे पुलिस के जवान बैठेंगे और भीड़ के अनुसार जो भी व्यवस्था में परिवर्तन या संशोधन करना होगा वो किया जाएगा। जरूर, आज गुरु पूर्णिमा भी है, तो आज पूर्णिमा के भी अवसर पर भगवान शिव सबके गुरु हैं, तो उनकी भी पूजा करने की कामना थी। उसके अलावा सावन माह, जैसा आपने बताया, सबके लिए बहुत शुभ हो, सभी रोग का, शोक का शमन भगवान शंकर कर सकें सबके लिए, यही कामना है अपने लिए भी और समस्त विश्व के लिए भी। लेकर यंगस्टर में किस तरह की उत्सुकता होती है, आइए जानते हैं। आपका नाम? संध्या कुमारी। कहाँ की रहने वाली? Sector 2। सावन को लेकर आप किस तरीके का उत्सव हो या उत्सुकता रखते हैं, या किस तरीके से सारा महीना आप मनाते हैं? बहुत अच्छे से बाबा का ध्यान करते हुए, और इस सावन में मेरा जन्मदिन भी है, तो मैं इस बार ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सावन की इस पूजा को लेके हो या पहाड़ी मंदिर की पूजा को लेके बात करें, कमेटी किस तरह से तैयार है, आइए जानते हैं। पहाड़ी मंदिर इस साल श्रावण का जो पूजा होने वाला है पहाड़ी मंदिर में, कमेटी किस तरह की तैयारी करी, कुछ नयापन है या कुछ अलग कुछ देखने को मिलेगा? देखिए, बिल्कुल नयापन देखने को मिलेगा, क्योंकि श्रावण मास सनातन धर्मावलंबियों के लिए एक पवित्र मास होता है, और इस पवित्र मास में सैकड़ों करोड़ों लाखों की संख्या में श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ पर जलाभिषेक करते हैं,
और चूंकि रांची पहाड़ी मंदिर एक ऐतिहासिक मंदिर है, तो यहाँ भी लाखों की संख्या में राज्य के विभिन्न जिलों से लोग आते हैं। इसके अलावा विदेशों से भी लोग आते हैं, नेपाल से भी लोग आते हैं। तो हमें यह लगता है कि जो श्रद्धालुओं की आस्था है, उस आस्था को पहाड़ी मंदिर विकास समिति बिल्कुल बरकरार रखने के लिए कृत संकल्प है, और हम श्रद्धालुओं को उचित व्यवस्था देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। बैरिकेटिंग की व्यवस्था के जरिए जो है कतारबद्ध होकर के श्रद्धालु जलाभिषेक बाबा के ऊपर करेंगे। इसके साथ साथ 50 CCTV कैमरे पूरे नीचे से लेकर के मुख्य मंदिर तक और पूरे मंदिर के चारों तरफ CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं, जिससे कि एक एक चीज़ों पर, एक एक जगहों पे हमारी बारीकी से नज़र रहेगी कि किसी प्रकार को श्रद्धालुओं के साथ किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़, कोई बाहरी तत्व और सामाजिक तत्व ना करें। इसके अलावा बैठने की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, तो ये तमाम चीज़ें जो है पहाड़ी मंदिर विकास समिति की ओर से की जा रही है। सर, एक मेरा प्रश्न, एक और प्रश्न है कि इस साल की जो श्रावण को हम देख रहे हैं कि श्रावण मास जो है, पहला जो श्रावण मास शुरू हो रहा है, पहला दिन ही सोमवार से शुरू हो रहा है और इसकी अंत भी सोमवार से हो रही है, तो क्या इसमें स्पेशल बात होगी सर? बिल्कुल, देखिए ये बहुत गौरव की बात है, क्योंकि ये कई सालों के बाद, कई सालों के बाद जो है ये शुभ सुखद संयोग आया है कि श्रावण मास सोमवार से शुरू हो रहा है, जो बाबा भोलेनाथ का दिन भी होता है, और अंत भी श्रावण मास का सोमवार के दिन हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि राज्य के लिए, देश के लिए एक उन्नति का मार्ग जो है ये लेकर के आया है। इस वक्त पहाड़ी मंदिर के पुजारी हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ खास बातों का ध्यान रखना होता है सावन के महीने में। आपका नाम? मेरा नाम राधा कृष्ण पाठक है। सावन महीने में या शिव का आशुतोष का महीना है, इसमें सावन जो भक्त हैं शिव का, उसमें शुद्ध शाकाहारी भोजन करना होता है, और सावन महीना में शंकर भगवान को बिलपत्र, धतूरा, अकवन जो भी उनको समर्पित किया जा सके वह जो है से उनको प्रिय है, और इस महीना में खास करके रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय का जप, हवन, तर्पण, मार्जन शंकर भगवान का विशेष फलदायी होता है। सबसे पहले तो हम लोग को श्रावण मास में ये ध्यान देना चाहिए कि हम लोग किसी भी तरीका का मांस मदिरा से दूर रहें। इसका एक वैज्ञानिक कारण भी है कि बारिश के समय जो मांस होता है या जो मांस उत्पादक होता है वो शरीर के लिए हानिकारक होता है, इसीलिए भी ये माना गया है कि सावन मास में हम लोग को मांस मदिरा से दूर रहना चाहिए। और दूसरा इसका एक धार्मिक वजह भी है कि ये चूँकि एक बहुत ही पावन मास है, तो इसमें हम लोग को ये सब चीज़ों से दूरी रखना चाहिए और हम लोग को नियमित रूप से पूजा पाठ करना चाहिए, ताकि हम लोग का मानसिक और आध्यात्मिकता की ओर हम लोग का हम लोग अग्रसरित हो सके और अपने बच्चों को भी उस मार्ग में हम लोग ले जा सके। आजकल हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे युवा पीढ़ी बहुत ध्यान देते हैं पूजा पाठ में भी, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि वही संस्कार हमारे बच्चों को भी जाएगा और हमारी परंपरा इसी तरह से चालू रहेगी। सावन के हर रंग हम आप तक साझा करते रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन सुशील तिर्की के साथ मैं शुभमिता विश्वास, देखते रहिए 99 न्यूज़।